की हुई पावर पहिए के माध्यम से फ्लो होने के बाद पटरी की ग्राउंडिंग केबल में पहुंचती है तीन फेस वाला पावर कन्वर्जन रीजनरेटिव ब्रेकिंग और जिग्जैग ओवर हेडलाइंस ये सभी इलेक्ट्रिक ट्रेन के तकनीक को काफी अनोखा बनाते हैं आइए सबसे सिंपल पॉसिबल डिजाइन से शुरू होने वाली इलेक्ट्रिक ट्रेन्स के पीछे के सभी इंजीनियरिंग रहस्यों को समझते हैं इलेक्ट्रिक ट्रेन का सबसे सिंपल वर्जन यहां दिखाया गया है यहां एक सिंगल स्लाइडिंग वायर ओवरहेड लाइन से इलेक्ट्रिक पावर इकट्ठा करती है यह पावर सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को दी जाती है इंडक्शन मोटर का रोटर व्हील से जुड़ा होता है सर्किट को पूरा करने के लिए इंडक्शन मोटर का दूसरा टर्मिनल जमीन से संपर्क में होता है जमीन से ये संपर्क इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वायर को पहले व्हील से एक्सल ब्रश के जरिए जोड़ा जाता है व्हील हमेशा पटरी के संपर्क में रहता है और पटरी इस तरह जमीन से संपर्क में रहती है जैसा कि दिखाया गया है आप देख सकते हैं कि ओएचएल से जमीन पर करंट कैसे पास होता है ये पहले इंडक्शन मोटर फिर एक्सल ब्रशेस फिर पहिया और अंत में पटरी और जमीन से होकर गुजरता है जब करंट पास होता है तो इंडक्शन मोटर का रोटर पहियों के साथ घूमता है हालांकि एक घूमने वाला पहिया आगे बढ़ेगा जिसका मतलब है कि अगला ग्राउंडिंग सर्किट पिछले एक से बहुत कम दूरी पर होना चाहिए अब कुछ एक्सल ब्रश के डिटेल्स देखते हैं एक्सल ब्रशेस को घूमने वाले पहिए में फिट किया जाता है और इन कार्बन ब्रशेस के माध्यम से पहियों में करंट को ट्रांसफर किया जाता है जो व्हील एक्सल से जुड़ी डिस्क पर स्लिप होते हैं फिर से ये एक इलेक्ट्रिक ट्रेन का सबसे सरल वर्जन है आइए अब इस डिजाइन में सुधार करें और अपनी ट्रेन को और ज्यादा फंक्शनल बनाएं ओवरहेड लाइन में इस्तेमाल किया जाने वाला वोल्टेज 25 किलो वोल्ट है जो एक बहुत बड़ा वोल्टेज है मोटर्स को चलाने के लिए बहुत कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है इस कारण से हमें इसे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में फीड करने की आवश्यकता होती है जो वोल्टेज को डिजायर्ड लेवल पर बदल देता है ओवरहेड लाइन से पावर सप्लाई शुरू में ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी से गुजरती है और यहां ग्राउंडिंग के कारण सर्किट पूरा हो गया है ट्रांसफॉर्मर की एक्शन के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट इंड्यूस होगा और कम वोल्टेज पावर मोटर को फीड किया जाएगा ट्रेन की तरह उच्च ट्रैक्शन के लिए मोटर को एक हाई टॉर्क का सप्लाई करना चाहिए इसके अलावा टॉर्क कर्व यूनिफॉर्म होना चाहिए भले ही मोटर की स्पीड भिन्न हो थ्री फेस इंडक्शन मोटर्स उच्च एक समान टॉर्क आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए सही विकल्प है इस मोटर को पावर देने के लिए थ्री फेस वायर को खींचना एक अच्छा विचार नहीं है क्योंकि ये बहुत ही अन इकोनॉमिकल है इसलिए सिंगल फेस सप्लाई को थ्री फेज सप्लाई में बदलने के लिए रेक्टिफायर और इन्वर्टर का इस्तेमाल किया जाता है एक रेक्टिफायर सिंगल फेज एसी पावर को डीसी पावर में परिवर्तित करता है और फिर इन्वर्टर डीसी पावर को थ्री फेज एसी पावर में परिवर्तित करता है अब यह इंजन पटरी के ऊपर चलने के लिए तैयार है अगर हम शाफ्ट और व्हील एक्सेल के बीच कुछ गेयर रेशियो के साथ एक ट्रांसमिशन सिस्टम जोड़ते हैं तो हम टॉर्क आउटपुट को और बढ़ा सकते हैं इस पॉइंट पर हमने जो इंजन बनाया है वो एकदम सही लगता है हालांकि अगर हम इस इंजन से कई कोचेस को जोड़कर एक पूरी ट्रेन बनाते हैं तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि हमने जो सिंगल मोटर इंजन विकसित किया है उसमें इन सभी कोचेस को खींचने के लिए सफिशिएंट पावर नहीं है तो आइए इंजन को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए और अधिक मोटर व्हील पेयर्स जोड़ते हैं एक इंजन बोगी का कंस्ट्रक्शन थ्री फेस इंडक्शन मोटर्स के साथ किया गया है जाहिर है तीन जोड़ी पहियों को चलाने के लिए एक इंजन में आमतौर पर ऐसे दो इंजन बोगीज का इस्तेमाल किया जाता है इस पूरे इंजन में आप देख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर और रेक्टिफायर कैसे पोजिशन हैं अब तक इस वीडियो में हमने दिखाया है कि कैसे हम सिंगल हैंगिंग वायर का इस्तेमाल करके ट्रेन में पावर ट्रांसफर करते हैं हालांकि ये तरीका प्रैक्टिकल नहीं है कभी कभी ट्रेन और ओवरहेड लाइन के बीच की दूरी को समान रखना संभव नहीं होता है जिसका मतलब है कि उचित पावर कलेक्शन के लिए एक हाइट वेरिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाना चाहिए पैंटोग्राफ्स इस कार्य को पूरा करते हैं एक आधुनिक पैंटोग्राफ इस तरह दिखता है आप देख सकते हैं कि एक न्यूमेटिक सिस्टम के दबाव के आधार पर पैंटोग्राफ अपनी ऊंचाई को एडजस्ट कर सकता है अगर आप ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि इस ऊंचाई के एडजस्टमेंट के दौरान करंट कलेक्टर हॉरिजॉन्टल होता है करंट कलेक्टर को पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल होना चाहिए अन्यथा पावर ट्रांसमिशन में ट्रबल होगा हमें उम्मीद है कि इस एनिमेशन से आप समझ सकते हैं कि करंट कलेक्टर हमेशा हॉरिजॉन्टल क्यों रहता है इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे पैंटोग्राफ के बारे में डिटेल्ड वीडियो को देखें अब पैंटोग्राफ को कार्य करते हुए देखते हैं अगर किसी कारण से पैंटोग्राफ वायर से अपना कनेक्शन खो देता है तो ट्रेन अपने उच्च मोमेंटम के कारण कुछ किलोमीटर के लिए अपना फ्री रन जारी रखेगी क्या आपने कभी सोचा है कि ओवरहेड लाइन जिग जैग तरीके से क्यों खिंचती है यह अरेंजमेंट यह सुनिश्चित करती है कि पेंटोग्राफ का कलेक्टर हेड कांस्टेंट संपर्क के पॉइंट पर ओवरहेड वायर को नहीं छूता है इस व्यवस्था के कारण वेयर एंड टेयर कम से कम होती है हम इंडक्शन मोटर सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को बदलकर स्पीड को नियंत्रित कर सकते हैं ये रेक्टिफायर और एक इन्वर्टर द्वारा पूरा किया जाता है ड्राइवर फ्रीक्वेंसी को बदलने के लिए लीवर को एक अलग नॉच पर सेट करता है और इसलिए मोटर की स्पीड उसी के अनुसार होती है एक्सेलरेशन के बाद ट्रेन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू रुकना है यह कैसे पूरा किया जाता है क्या हमें इंडक्शन मोटर्स को बंद कर देना चाहिए अगर ऐसा है तो ट्रेन कई किलोमीटर तक पटरियों पर चलती रहेगी जब तक कि वो रुक न जाए एक और विचार ये है कि हम इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग लगा सकते हैं एक साधारण इंडक्शन मोटर में रोटर की स्पीड आरएमएफ की स्पीड से कम होती है हालांकि सप्लाई फ्रीक्वेंसी को कम करके हम इस कंडीशन को उल्टा कर सकते हैं दिलचस्प बात यह है कि जब आरएमएफ की स्पीड रोटर की स्पीड से कम होती है बार्स में इंड्यूस्ड करंट की दिशा रिवर्स हो जाती है ये रोटर पर ऑपोजिट दिशा में इंड्यूस्ड टॉर्क को अंजाम देता है ये एक परफेक्ट ब्रेक है बिना मेटल टू मेटल के संपर्क वाला ब्रेक इस फेज के दौरान मोटर जनरेटिंग मोड पर चलती है हालांकि ये ब्रेकिंग मेथड अपनी पटरियों पर ट्रेन को पूरी तरह से नहीं रोक सकती है क्योंकि रीजनरेटिव ब्रेकिंग कम स्पीड पर काम नहीं करती है यानी ये ट्रेन को धीमा कर सकती है लेकिन इसके बाद आपको ट्रेन को पूरी तरह से रोकने के लिए न्यूमैटिक ब्रेक्स लगाने होंगे ये एक अलग तरह का मैकेनिकल ब्रेक है यहां स्प्रिंग का फोर्स और कंप्रेस्ड एयर फोर्सेस ऑपोजिट दिशाओं में पिस्टन पर काम कर रहे हैं दिलचस्प बात यह है कि जब ड्राइवर सिलेंडर से हवा छोड़ता है तो खींची हुई स्प्रिंग पिस्टन को पहिए की ओर खींचती है और ब्रेक लग जाती है यह ब्रेक सिस्टम हवा के लीकेज या टूटे हुए कंप्रेसर को सुरक्षा प्रदान करता है प्रेशर रिलीज होते ही ब्रेक अपने आप लग जाती है हर एक व्हील पेयर के लिए हर एक कोच के नीचे न्यूमैटिक ब्रेकिंग सिस्टम लगाया गया है अब देखते हैं कि प्रत्येक कोच को पावर सप्लाई कैसे की जाती है प्रत्येक कोच की यूटिलिटीज के लिए पावर सप्लाई करने का एक तरीका सेल्फ जनरेशन है कोच फ्रेम के नीचे एक ऑल्टरनेटर लगाया जाता है और ये कार्डन शाफ्ट द्वारा संचालित होता है जो एक्सेल पर लगे गेयर बॉक्स द्वारा संचालित होता है आउटपुट को सुधारा जाता है और 110 वोल्ट डीसी बैटरी चार्ज होती है जिससे कोचेस को कंटिन्यूस पावर की सप्लाई होती है लेकिन सेल्फ जेनरेटिंग मेथड कार्यक्षम नहीं है क्योंकि यह बहुत